अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अहमदाबाद की फेमस दाल चावल पलीदे की रेसिपी, जो शादियों में बनाई जाती है। ये बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार बनती है। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिए हुए हैं पाउडर मसाले। ये मैंने 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून जितना। इसको मैंने हाथों से क्रश किया हुआ, आप चाहो तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी ले सकते हो। 2 प्याज का मैंने बिरस्ता बनाया है। 1 कटोरी मैंने बाजरे का आटा लिया हुआ है। ये कुछ मैंने आमचूर, जिसे अम्बोली भी कहते हैं, वो 3-4 लेके इसे भिगा दिया था। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च को कट किया है। कुछ धनिया और पुदीने के पत्तों को भी कट किया है। इसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली हुई है क्योंकि मुझे 3 चीज़ों में इससे डालना है। गरम मसाला भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है क्योंकि मुझे इसमें भी ज़्यादा डालना है। ये 2 टेबल स्पून जितना साबुत जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 बादिया का फूल, 3 से 4 मैंने लौंग लिए हुए हैं, 3 तेज़पत्ते और 3 दालचीनी के टुकड़े। ये 1 कटोरी मैंने ली हुई थी तुअर दाल, इसको 2 घंटे पहले भिगा दिया था। 3 टेबल स्पून जितना दही लिया हुआ है और 500 ग्राम मैंने बासमती राइस लिए हुए हैं, इसे 2 घंटे पहले भिगा दिया था। अच्छा जी, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दाल को बॉयल करने रखूँगी। ये पतीले में मैंने पानी ले लिया है। दाल को अच्छे से बॉयल करनी है मुझे। 1 टेबल स्पून जितनी हल्दी और 1 टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया हुआ है। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है और इसमें मैं दाल को डाल दूंगी। सारी दाल मैंने इसमें डाल दी है। दाल को पकने रख दूंगी कि दाल अच्छे से पक जाए, ना कि मेल्ट हो। बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए दाल, सिर्फ पक जाएगी, पूरी अंदर से पक जानी चाहिए ये। अब इसको चला लूँगी मैं अच्छे से कि हल्दी और नमक सब में मिक्स हो जाए, और इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा जी, दाल मेरी पक रही है, वहाँ तक मैं बाजरी के आटे का पानी का लिक्विड बना लूँगी मैं। अच्छा जी, ये बाजरी का आटा मैंने लिया था, उसमें मैं डालूँगी 1 ग्लास जितना पानी, और उसको अच्छे से, उसकी गुठलियाँ सारी तोड़ दूँगी मैं, अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। अगर आप गर्म पानी में, दाल के पानी में इसे, बाजरी के आटे को डालोगे तो उसकी गुठलियाँ टूटेगी नहीं, नॉर्मल पानी में ही इसे मेल्ट करना पड़ेगा। ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये पूरा 1 ग्लास पानी मैंने हाफ हाफ करके डाल दिया है। आप देख सकते हो गुठलियाँ सारी अच्छी तरीके से टूट गई है और बाजरी का आटा जो है वो पाउडर बिल्कुल लिक्विड हो चुका है। अच्छा जी, इसको मैं रख दूँगी साइड में, और अब मैं चावलों को बॉयल करने की तैयारी करूँगी। इसके लिए मैंने ले लिया हुआ है 1 पतीले में पानी। उसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च और धनिया और पुदीने के पत्ते और कुछ खड़े मसाले। जो मैंने खड़े मसाले लिए हुए हैं वो सब हाफ उसमें डाल दूँगी। साबुत जीरा भी डाल दूँगी मैं। अच्छा, इसका एक उबाल आने तक इसको ढक के मैं पका लूँगी कि पानी में एक उबाल आना ज़रूरी है। उसके बाद मैं इसमें चावलों को ऐड करूँगी। अच्छा जी, पानी में उबाल आ चुका है। ये चावल जो मैंने वॉश करके भिगा के रखे थे वो सारे चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चावल डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करूँगी, और अगर आपके पास नींबू हो तो 1/2 नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं 1 टीस्पून जितना विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर और नींबू डालने से चावल अच्छे तरीके से खिल के पकते हैं और उसका लुक बहुत अच्छे से आता है। अच्छा जी, ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना नमक डाल दिया है। नमक अच्छे से डालिए इसमें। अब इसको मैं पकने के लिए, चावल को बॉयल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर दाल मेरी पक गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पकी है ये, बिल्कुल मेल्ट नहीं हुई ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई है। इसको मैं छान लूँगी। सारी दाल को मैं निकाल लूँगी।
थोड़ी सी दाल मैं इसमें रखूँगी, 2 टेबल स्पून जितनी दाल उसमें मैं रखूँगी कि उसका जायका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है, जैसे जो उबल उबल के वो पक जाएगी। अच्छा जी, अब ये दाल के पानी में मैं सारा बाजरे का आटे का लिक्विड ऐड कर दूँगी। ये सब लिक्विड मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से चला लूँगी। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और धनिया और पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दूँगी। जो आमचूर को भिगा के मैंने रखा था उसको भी इसमें ऐड कर दूँगी और 2 उबाल आने तक इसको अच्छे से पका लूँगी। इसमें 2 उबाल आना ज़रूरी है कि बाजरी के आटे का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और उसका जायका और टेस्ट अच्छे से आ जाए। ये 2 उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। 2 उबाल आ चुके हैं, ये बिल्कुल बाजरी का आटा पक गया है और जो मैंने हरी मिर्च पुदीने और धनिए के पत्ते जो डाले थे वो भी उसमें अच्छे से पक गए, उनकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी। अब मैं मटन को भूनने की तैयारी करूँगी। अच्छा जी, ये इधर चावल भी मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, 90% तक चावल बॉयल हो चुके थे। अब मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी और चावलों को छान लूँगी। ये पानी को आप फेंके नहीं, अगर आपके घर पे पौधा हो तो पौधे के गमले में आप ये पानी को ठंडा करके इसे डाल सकते हो, इससे आपके पौधे बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये मैंने 1/2 कटोरी जितना तेल ले लिया है। अच्छा जी, मैंने मटन को बॉईल करके रख दिया था, इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। ये 250 ग्राम जितना मटन है, हड्डी वाला मटन मुझे ज़्यादा लेना है इसमें। अच्छा जी, ये 1/2 कटोरी जितना तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें खड़े मसाले कुछ डाल दूँगी। खड़े मसाले जैसे पकने लगेंगे इसमें मैं अदरक लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है उसको भी ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन के साथ मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और सारे पाउडर मसाले भी ऐड कर दूंगी और उनकी अच्छे से भुनाई करूंगी। ये मैंने 1/2 अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया हुआ है मैंने, यानी 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारे पाउडर मसाले और नमक को भी ऐड कर दूंगी और ये सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई करूँगी मैं और उसमें मैं 2 टेबल स्पून जितना मटन को बॉईल किया हुआ पानी भी ऐड करूँगी कि मसाले जले नहीं और अच्छी तरीके से पक जाए। आप देख सकते हो मसाले अच्छी तरीके से पक रहे हैं, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। सारे मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी, इसका तेल बाहर आ जाएगा और मसाले भून जाएंगे, उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें मटन डाल दूँगी। ये मसाले भून गए हैं, अब इसमें मैं सारा मटन ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉईल करके रखा था और मटन की भी अच्छे से भुनाई करूंगी। सारा मटन है उसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूंगी, फिर उसमें मैं बिरस्ता भी ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून जितना मैं बिरस्ता डाल दूंगी। बिरस्ता डालने के बाद मैं इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड जितना पकाऊंगी क्योंकि बिरस्ता तो बिल्कुल रेडी है और उसको मैंने क्रश भी कर लिया है, बस मसालों में अच्छे से मेल्ट हो जाए वो। अब इसकी भुनाई हो गई है, ये बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। इसको मैं दाल के और बाजरे के आटे के पानी के अंदर डाल दूँगी जो पानी उबल रहा है। अच्छा जी, ये सारा मटन और मसाला मैं उसमें ऐड कर दूँगी और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए अब पकाऊंगी। इसको कोई अब उबाल लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने अच्छे से उबाल ले लिया है इसमें। बस 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी मैं इसको और फिर गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, पलीदा तो रेडी हो गया है। अब हम दाल चावल की तैयारी कर लेते हैं। चावल भी बॉयल हो चुके हैं, अब एक फ्राई पैन में मैं लूँगी 3 टेबल स्पून जितना घी। आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, मैं ऑयल में भी बनाती हूँ और आज मैं घी में बना रही हूँ। अच्छा जी, 3 टेबल स्पून जितना मैंने घी लिया है, इसमें खड़े मसाले डाल दूँगी मैं सारे और वो जो अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ पेस्ट जो मैंने रखा था उसको भी डाल दूँगी, नमक भी डाल दूँगी साथ में। अदरक लहसुन के पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं,
उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल। सारी दाल मेरी इसमें चली जाएगी और दाल को अच्छे चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें अच्छे से सब में मिक्स हो जाए, और हरी मिर्च और धनिया और पुदीने के पत्ते भी उसमें डाल दूँगी। मैं इसमें बिरस्ता भी डाल दूँगी। बिरस्ता मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून जितना, बस 2 टेबल स्पून जितना बिरस्ता ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। अब इसमें मैंने जो दही रखी थी 3 टेबल स्पून जितनी, उसको भी ऐड कर दूँगी। मुझे दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है, वैसे ही ये दम में पक जाएगी अच्छे से। ये दही डाल दी है मैंने, बस इसको चलाते हुए थोड़ा सी भून के उस गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं पतीला चढ़ा दूँगी और मैं इनको लेयर लगा के इसको दम लगा दूँगी। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला हुआ है। ऑयल डालने के बाद थोड़े से चावल अंदर रह गए थे जो मैंने बॉईल किए हुए निकाले थे, कोई मसला नहीं है, उसे रहने दीजिए। और इसमें दाल डाल दीजिए, सबसे पहले दाल जाएगी उसमें। मैं दाल की लेयर अच्छे से लगा दूँगी इसमें, क्योंकि दाल को सबसे नीचे लेयर बिछाना है, क्योंकि वो क्रिस्पी होनी चाहिए जिसे शादियों में बनती है। अच्छा जी, दाल की लेयर लगा दी है मैंने। अब सारे चावलों को बॉईल किए हुए उसमें डाल दूँगी और चावलों की अच्छे से लेयर लगा दूँगी, सब तरफ उसको फैला दूँगी। चावल इतने खिल के बने थे माशाल्लाह। अब ये सारे चावलों की मैं लेयर लगा दूँगी, के बाद मैं ऊपर से डाल दूँगी 3 टेबल स्पून जितना घी, और जो पानी मैंने निकाला था चावल को बॉईल किया था वो 1 कटोरी डालूँगी। इसे डालना ज़रूरी है, बहुत टेस्टी और बहुत जायका आता है इसका। उसके बाद मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून जितना घी। ये घी डाल दिया है मैंने, आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। घी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बिरस्ता, हरी मिर्च, पुदीने और धनिए के जो भी बचे हुए पत्ते सब रखे थे मैंने, वो सारे ऐड कर दूँगी। ये सब इसमें चले गए। अब इसको मैं दम लगा दूँगी, पहले 1 मिनट के लिए दम लगाऊँगी, उसके बाद मैं इसमें स्मोक करूँगी, क्योंकि शादियों वाला दाल चावल पलीदा बना रहे हैं तो स्मोक देना ज़रूरी है। तो एक कोयले को मैं अच्छे से जला लूँगी और इसमें उसका धुंगार दे दूँगी। 1 मिनट हो गई है, बस अब मैं इसमें इसका धुंगार दे दूँगी। ये कटोरी रखी है मैंने, उसमें मैं कोयला रख दूँगी और उसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। बस गैस की फ्लेम को तो मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरे चावल अच्छे से पक गए थे और दाल भी अच्छे से नीचे दम हो गई थी। इतनी माशाल्लाह खुशबू आ रही थी, इतना जायकेदार, इतना टेस्टी बना था ये शादियों वाला दाल चावल पलीदा। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हो दाल कितनी क्रिस्पी हो गई है। मेरे तरीके से ज़रूर बनाए और अपने घर वालों को खिलाए, सबको, पूरी फैमिली को खिलाए। और आपकी फैमिली को कैसी लगी मेरी डिश वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अच्छी लगती है मेरी डिश तो लाइक दीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताना और दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेके आऊँगी बिल्कुल इजी तरीके से आपके लिए। तब तक के लिए चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।